भाजपा वाले जो हों ये तो हिंदू मुस्लिम पे वोट मांगते हैं। कमाल अख्तर को वोट देंगे, ये कमाल अख्तर जी को वोट देंगे जी, कमाल अख्तर जी को देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया तक और मैं आपके साथ संजना चौरसिया। तो अभी हम मौजूद हैं अमरोहा के हसनपुर 42 के मंगरोली गांव में। जैसा कि आप सभी को पता है 2022 के चुनाव करीब है, इसी को लेकर के हम जानेंगे यहां की जनता से कि आखिर कौन सी पार्टी को ये अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर उतारना चाहते हो और आखिर क्यों। तो सर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। मेरा नाम विपिन कुमार है जी जी, और हम तो बहुजन समाजवादी पार्टी को ही वोट देंगे। अच्छा, बहुजन समाजवादी पार्टी को क्यों? उसके मतलब हर समाज के लिए उन्होंने काम किया था। अच्छा। और क्या कि मैं सर्व समाज की पार्टी है और जैसा बहुजन समाजवादी ने काम किया अपनी 2007 की अच्छा। जो सरकार बनी थी अच्छा। ऐसा किसी सरकार ने काम नहीं किया। अच्छा, तो वैसे तो जैसे बात करके प्रतिनिधि की तो ऐसे कमाल अख्तर जी भी हैं जो समाजवादी पार्टी से हैं, फिरे सिंह गुर्जर हैं जो कि आपके बसपा से हैं, वही महेंद्र खड़गवंशी जो कि आपके भाजपा से हैं, तो क्या आप लोगों को इनका जो शासन काल रहा वो अच्छा नहीं लगा? ये तो भाजपा वाले जो हैं ये तो हिंदू मुस्लिम पे वोट मांगते हैं। अच्छा। मंदिर मस्जिद पे वोट मांगते हैं। अच्छा। तो उत्तर प्रदेश की जनता मंदिर मस्जिद पे वोट नहीं करेगी। हाँ। इस बार विकास पे वोट करेगी। और हमें अच्छे स्कूल चाहिए, यूनिवर्सिटी अच्छी चाहिए जी जी। और मेडिकल कॉलेज चाहिए। मैं जानना चाहूँगी कि 2022 के चुनाव करीब हैं तो आप किसको लाना चाहते हैं? जैसे कि दावेदार तो काफ़ी उतर रहे हैं जिसमें कमाल अख्तर जी हैं समाजवादी पार्टी के, आपके फिरे सिंह गुर्जर हैं जो कि बसपा से हैं, वहीं खड़गवंशी जी जो मौजूदा विधायक हैं बीजेपी के, तो किसे लाना चाहेंगे इस विधानसभा क्षेत्र के? पब्लिक का कोई वो एक मुद्दा होता है जी, बिल्कुल ना पार्टी से मतलब होता है ना किसी, देखिए प्रत्याशी से मतलब होता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर से अनुसार कौन उसका कार्य करता है। अच्छा। दूसरी बात देखिए, हमारे यहाँ वर्तमान में बीजेपी सरकार है। हाँ। वो HM पे इलेक्शन कराती है। अच्छा। दूसरी बात हमारे यहाँ देखिए, कोई भी जो रोग होता है तो उसे मंदिर में ठीक नहीं किया जा सकता ना मस्जिद में ठीक किया जा सकता, उसे केवल अस्पताल में। या देखिए ये राशन वाली बात है, हमारे अभी नमक आई थी, वो नमक हमने पानी में 2-3 घंटे घोली, वो पानी नमक नहीं घुल पाई। अच्छा। तो इसका मतलब क्या कि गरीबों को दूषित खाना दो, गरीब में कोई इज्जत नहीं। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि जो भी हमारे मुद्दों को लेकर चलेगा हम उसे सपोर्ट करेंगे। तो आप किसको चाहते हैं, ऐसा कौन लगता है आपको जो इन तीनों में से आप लोगों के लिए काम कर सकता है? अभी देखिए कोई कैंडिडेट क्लियर नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि चुनाव करीब हैं और आप खुद भी एक यंगस्टर हैं, तो क्या लगता है आप लोगों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम कौन कर सकता है, भाजपा, सपा या बसपा? हमारे लिए तो समाजवादी करेगी, समाजवादी पार्टी करेगी। वो क्यों? वो क्योंकि हमारे हम जो विधानसभा का लक्षण लाएंगे माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर साहब। हाँ हाँ। हमारे क्षेत्र के नेता हैं, मजबूत नेता हैं। अच्छा। हमारे बीच में रहते हैं इसलिए हमने कमाल अख्तर को वोट देंगे। जो कमाल अख्तर जी ने अब तक क्या क्या किया है आप लोगों को? हमारे लिए कमाल अख्तर ने बहुत कुछ किया है और वो आगे के लिए बहुत कुछ करेंगे। वो कि आप किसको लाना चाहते हैं, आपके लिए सर्वोत्तम पार्टी कौन है? देखिए सर्वोत्तम पार्टी तो मेरी है, देखिए लॉ ऑर्डर के हिसाब से तो बहुजन पार्टी है। बहुजन पार्टी मतलब बहुजन पार्टी। ठीक है, दूसरी बात सर आप आइए, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 2022 के चुनाव करीब हैं जिसमें दावेदार हर पार्टी के हैं, आप मान लीजिए समाजवादी पार्टी से कमाल अख्तर हैं, फिरे सिंह गुर्जर हैं बसपा से, वहीं आपके मौजूदा विधायक खड़गवंशी महेंद्र जो कि बीजेपी से हैं, तो किसको लाना चाहेंगे इस पर 2022 के चुनाव में? सर मैडम, हम तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को ही लाना चाहेंगे क्योंकि जी बीजेपी वालों ने कहीं विकास नहीं करा, मतलब फिरे सिंह गुर्जर को जी जी, इन्होंने महेंद्र सिंह खड़गवंशी जो हमारे अगरोला के रहने वाले हैं, हसनपुर विधानसभा से विधायक हैं मौजूदा, उन्होंने सिर्फ कोई काम नहीं करा, ना ही कहीं सड़क कुछ नहीं बनवाया। अच्छा। उन्होंने जो भी विकास करा है सिर्फ अपने लिए ही करा है विकास। अच्छा। जी बस हम ये सब चीज को देखते हुए जो इन्होंने भाइयों ने बताया, आप चाहते हैं कि इस पर पार्टी का परिवर्तन हो? हाँ बिल्कुल, होना चाहिए, दोबारा रिपीट नहीं चाहिए। नहीं सर, नहीं चाहिए। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं तो पार्टी दावेदार तो काफी उतर रहे हैं, बसपा से भी है, समाजवादी पार्टी से भी है, बीजेपी से है, नाम भी बता दूं, फिरे सिंह गुर्जर है, कमाल अख्तर है और खड़गवंशी जी, तो इसमें से किसको लाना चाहेंगे? हम माननीय कमाल अख्तर जी को लाना चाहेंगे। माननीय कमाल अख्तर जी को लाना? वो क्यों? उनके नियम पे ही जो भी सरकार देती है, जैसे राशन उन्होंने लागू करा। अच्छा। और ये गंगा एक्सप्रेस कमाल अख्तर जी ने लागू करवाया था, बिजली घर इन्होंने बनवाए जी, अधिक बहुत विकास हुए। अच्छा। गाय किसानों को परेशान कर रही है, उन्हें खड़े गेहूँ खाती है सरकार। हाँ। 3-5 किलो गेहूँ देकर हाँ। उन्होंने कहती है हम राशन दे रहे हैं, सब हमें वोट दो, ये भी गलत है। अच्छा। जब 3 क्विंटल बिके गेहूँ गाय खा लेती है, 5 किलो में किसान कैसे पूरा महीना काटेगा? अच्छा, तो अब की बार किसकी सरकार?
अब की बार कमल अख्तर जी, कमल अख्तर की सरकार नहीं, कमल अख्तर तो प्रतिनिधि है ना जी, अखिलेश यादव अखिलेश यादव जी की। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, चुनाव आ रहे हैं तो किस प्रतिनिधि को लाना चाहेंगे आप लोग अपने क्षेत्र में? ये फिरे सिंह गुजर को जो कि बसपा से हैं जी। बसपा क्यों? मैं क्योंकि गरीबों के लिए जो काम करेगा उसी को हम पार्टी को पार्टी बनाएंगे। इसके अलावा कोई और उम्मीद जो आप लोग चाहते हैं कि अगर वो हमारे यहाँ आए विधायक बने तो और क्या क्या कार्य करवा सकते हैं? कार्य तो स्कूल हैं, शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल बनाने चाहिए, गरीबों के लिए स्कूल खुलने चाहिए और जो सड़कें हैं गांवों की सड़कें बननी चाहिए जी। और तो क्यों आपको बीजेपी का शासनकाल अच्छा नहीं लगा? नहीं, क्योंकि बीजेपी सरकार में तो सबसे ज़्यादा क्योंकि कोई काम नहीं हो पाया विकास के क्षेत्र में, ना कोई कॉलेज बनाया है, ना कोई सड़क है, हमारे गांव की सड़कें अधिकतर खराब पड़ी हैं। तो आप एक बात बताइए, 2022 के चुनाव करीब है तो कौन सी पार्टी को लाना चाहेंगे आप लोग अपने विधानसभा क्षेत्र में? हम उसे लेना चाहेंगे जिसको हमने देखा पिछले, जिसने ज्यादा विकास कराया। किसने किया है बताइए? माननीय हमारे मंत्री कैबिनेट कमल अख्तर जी ने। कमल अख्तर। और ये बीजेपी का शासनकाल में कुछ नहीं हुआ है? एक बोर्ड ही दिखाई नहीं दे रहा पूरे विधानसभा में कहीं बीजेपी का लगा हुआ। कोई रोड बनवा दें या कोई बिजली घर बनवा दें या कोई किसी कॉलेज का निर्माण करा दें, कोई कुछ नहीं कराया उन्होंने, कुछ नहीं कराया। आप बताइए भैया कौन सी पार्टी आ रही है इस बार? ये कमल अख्तर जी को वोट देंगे जी। कमल अख्तर जी को देंगे। बताइए कि अब इस बार कौन सी पार्टी आएगी विधानसभा क्षेत्र? हम तो साहब हाथी को वोट देंगे, हाथी के वो है मालिक, हम तो किसी को भी दें तो हमारी कहीं गिनती ना हाथी से अलावा। अच्छा, हाथी वाले गिन लेते हैं? बिल्कुल, हाथी में गिनती है हमारी तो। और बीजेपी का शासनकाल कैसा रहा फिर? मायावती को देंगे हम, मायावती को देंगे हम तो अपने वोट मायावती के वो है। यहाँ तो कहते हैं लोग भाई बिक गया, वो होगा किसी के द्वारा चले जाओ, कहीं गिनती है ना हमारी तो मायावती से अलावा। और बात करें सबसे पहले बीजेपी की बात करूंगी, रोजगार पर क्या बात करेंगे? रोजगार तो बिल्कुल खत्म हो रहा है। आपको मिला है एक आग रोजगार? बिल्कुल नहीं मिला। और फोन और लैपटॉप भी बट रहे थे, कहाँ गए? लैपटॉप नहीं मिला जी। नहीं मिला है, अभी अप्लाई किया है? अप्लाई किया। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, चुनाव करीब आ रहे हैं ठीक है, तो आप किस पार्टी को लाना चाहेंगे आप लोग अपने विधानसभा क्षेत्र में? समाजवादी पार्टी को, मतलब जो आपके कैबिनेट मंत्री हैं कमल अख्तर जी। जी अच्छा, आप उधर देख के बोलिए पहले तो जी। तो बीजेपी का शासनकाल कैसा लगा आपको? सही नहीं लगा। क्या अच्छा नहीं है? बहुत कुछ अच्छा नहीं है, जैसे कि रोजगार वगैरह और बहुत सारी कमी है।